के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी से सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी से सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। 44 गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोपी बाबा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान के आपको मैं चलिए किस सरकार के ना किसी संविधान में गाड़ी में बैठिए, बस सारे रोड पे आगे पीछे चले। अरे उनको जाने दो ना, गाड़ी तो छोड़ो तुम लोग यार। बहुत आगे आ रहे हैं, पीछे हो जाओगे। अच्छा मैं इनका हाथ जोड़ दूंगा, जो जो आगे खड़े इनके फोटी बच्ची बंद कर देना तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है। इसके मुख्य मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, बेटियों के साथ रेप की घटनाएं और रेप पीड़ितों को जलाकर दूसरे तरीके से मार देना, और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। और ज़्यादातर रेप में और हत्या में जो नाम आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरे, उत्तर प्रदेश में लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बिजली बहुत महंगी कर दी है, बिल ना देने पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है, आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा, जो अभी केंद्र सरकार ने ये नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया है, ये अधिनियम भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। और हमारा मानना है कि भारत का संविधान अगर नहीं रहेगा तो किसी भी नागरिक की आज़ादी नहीं रहेगी, हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, देश फिर से गुलाम हो जाएगा। गुलाम अंग्रेजों का हो या भारतीयों का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुलामी गुलामी है। पहले हम राजा महाराजाओं के गुलाम थे, आज हमें आज़ादी मिली है तो इस संविधान की वजह से मिली है, जो बाबा साहब ने हमें दिया, हमारे